हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कक्षा 11वीं विषय भूगोल का पेपर है संपूर्ण, जो आपका 1 अप्रैल को होने जा रहा है। तो ये 1 अप्रैल के लिए पेपर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर हमारे पास में अभी अभी सुबह सुबह आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा बहुत बता दिया जाए, तना थोड़ा बहुत तो आपको भी अनुभव हो जाए कि मेरा पेपर किस प्रकार से आने वाला है। ठीक बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर दिए जाएंगे सही विकल्प। तो इन विकल्पों को मैंने पहले ही कम्प्लीट कर लिए हैं, मतलब करके देख लिए हैं, ताकि आप लोगों को करते समय किसी भी प्रॉब्लम ना हो, आप लोग थोड़ा बहुत जल्दी कर सकें, क्योंकि आप लोग पास में टाइम बहुत कम है। पहला लगा भूपृष्ठ पर सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो आप लोग सभी को पता होगा प्रशांत प्लेट होती है। जल वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है, तो संघनन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन जैव मंडल में सम्मिलित है, तो इसमें लिखोगे आप लोग सभी जीवित जीव। निम्नलिखित यमोत्तर में कौन सा भारत का यमोत्तर है, तो लिखोगे आप लोग 82.30 पूर्व। फिर लिखा आपका ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष कौन सा है, तो लिखोगे सुंदरी मैनग्रोव। फिर लिखा इसके आगे जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ताकि आप लोग सामने कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप लोग इन्हें सभी को कर सकें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं निम्नलिखित को रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। ये पहला का पृथ्वी पर जीवन खाली स्थान बरस पहले आरंभ हुआ है, तो 380 करोड़ बनना है यहाँ पर, 380 करोड़ बरस हो जाएगा। ठीक, पहले कहा लोहे का लाल रंग या जंग लगना क्रिया के कारण होता है, तो अब ऑक्सीकरण क्रिया। ठीक है, वायु की ऊर्जा में संबंधित जल में खालिस्तान उत्पन्न होते हैं, तो लिखेंगे तरंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान खालिस्तान नाम से जाने जाते हैं, तो कौन से नाम से, सवाना घास के नाम से। लिखा सरदार सरोवर परियोजना नदी पर बनाई गई है, तो कौन सी नदी में, नर्मदा नदी में। फिर कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कोई कंप्लीट कर लेंगे। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट। विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा के वायरल क्वेश्चन पेपर की संपूर्ण पीडीएफ कुछ इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करके सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना होगा, फिर आपको studynotespj.com फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म करना होगा कि स्टडी नोट्स पीजे वेबसाइट है। ठीक है, फिर नीचे आकर के आप देखेगा यहाँ पे एमपी बोर्ड 9th और 11th, ठीक है, 9th और 11th 2023 जो रियल पेपर है उनको डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, वायरल पेपर हल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिखेगा। नीचे दो क्लासें दी गई हैं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं। कक्षा 9वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी प्रकार से 11वीं में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट की नीड है उस सब्जेक्ट पे आपको चले जाना है। जैसे कि कक्षा 9वीं हिंदी का मैं दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से सभी क्लास का, जैसे 11th का आपको हिंदी करना तो यहाँ पे क्लिक करना, और 9th का हिंदी करना तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद हमें नीचे आना है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, देखिए असली पेपर देखिएगा कुछ इस प्रकार से 9वीं का, तो ये पूरा पेपर डला हुआ है, यहाँ से आप पेपर देख लेना अपना। हमें चाहिए है पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ, तो यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का आपको बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और लगभग 15 सेकंड रुकना है। अब इन 15 सेकंड में आपको क्या करना है, किसी भी एक पोस्ट पे एक बार क्लिक कर देना, जैसे ये पोस्ट दिख रही है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, तब तक ये 15 सेकंड का काम डाउन चलता रहेगा। जैसे ये काम डाउन खत्म होगा, देखिए फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो काम डाउन हमारा खत्म होगा, आप लोग बोलते हैं डाउनलोड नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन प्रोसेस होती है पॉप अप ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑलवेज ऑन पे क्लिक करना है, तब जाके आपको ड्राइव पे ले जाएगा। ठीक है, ये जो है मेन पॉइंट ये आप भूल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने कर लिया, इसी प्रकार से इंग्लिश का कर लेना, सामाजिक विज्ञान का कर लेना और 11वीं। नेक्स्ट दिया गया सॉल्यूशन है सही जुड़ी मिलाइए। पहले लगा मानव भूगोल का जनक माना जाता है, तो कैसे माना जाता है, रेड जेलगोटी। पहले का भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना, प्रकाश संश्लेषण। भारत का क्षेत्रफल तो आप लोग इससे मिला देंगे 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंह है, सिंह का मतलब करो सौराष्ट्र गिर। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग सही जुड़िया भी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको पेपर आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला लगा है भूगोल की दो शाखाएं कौन सी हैं, तो आप लोगों एक लिखोगे भौतिक भूगोल, एक हो जाएगा अभी मानव भूगोल। फिर लिखा पृथ्वी के किन भागों को स्थलमंडल कहते हैं, तो लिखोगे भूपैठी तथा मेंटल के ऊपरी भाग को। ठीक, फिर लिखा आप लोग हमें सामान्य भौतिक लक्षणों को वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो हम लोग प्रजाति कहते हैं, प्रजाति। ठीक, फिर लिखा राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो जीवों के संरक्षण के लिए। ठीक, फिर लिखा भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हम लोग हिंद महासागर। फिर भारत में औसत वर्षा की लंबाई कितनी है, तो 125 सेंटीमीटर।